रेस लगानी है, रेस गाड़ी गाड़ी की रेस लगा लो, हार जाओगे। ये गाइस जाट है, जब हम गाड़ी में आ गए हैं, स्पेशल में आ गए हैं। अब देखेंगे हमने इनका जो है ना अराउंड कोई 70-80 हजार रुपया निकाल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का दिन शुरू करते हैं। आपको पता था कि कल मैं हेयर ड्रेसर के पास गया हुआ था अपने, तो गाइस जो रिजल्ट आया बहुत स्टिकी था, तो मैंने कहा चलो आज एक दो दिन कैप पहनते हैं और इसको फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसको मैं कैसे बेहतर अप करूंगा। तो बस रीनाज आ गया, अब कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर आगे ऑफिस चलते हैं। तो गाइस कॉफ़ी मैंने ले ली है, तो अब मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो बालों की मैं बात कर रहा था, मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर ना फिर ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो इसके ऊपर प्रोटीन वगैरह ये लोग लगाते हैं उसके लिए। तो हम इसके ऊपर 2-3 दिन जो है ना नॉन ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करेंगे और उससे जो है ना थोड़ा इनके ऊपर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा ना स्टिकी हो गए हैं और स्ट्रेट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में ये बेहतर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे भी इनकी लुक। लोगों को पता है कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है अमेरिका से, तो आज कोशिश करेंगे उसको भी मिल लें। तो अभी बस ऑफिस चलते हैं, देखते हैं कोई मेजर काम शाम है तो वो करते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं उसके पास, उसको पिक करते हैं, उसको लंच वंच करवाते हैं और थोड़ी गपशप मारते हैं उसके साथ। तो वो बचपन का दोस्त है मेरा, तो अब वो कोई मेरे ख्याल से 7-8 साल से अमेरिका ही है, तो 2-3 साल के बाद वो आता है। तो गाइस दिन आज का बहुत खूबसूरत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑडियंस, क्या बात है सर। तो आज कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ मज़ेदार भी दिखाएं जिससे आप लोग थोड़ा बहुत एंटरटेन भी हो। तो गाइस मैं ऑफिस से निकल गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ मॉल ऑफ लाहौर कैंट, आपको मैंने बताया था जट से मिलने, दोस्त आया हुआ है मेरा अमेरिका से, तो अभी वहाँ चलते हैं और आप लोगों को नज़ारे दिखाते हैं, कुछ फन दिखाते हैं, कोई कॉमेडी करते हैं उसके साथ जाके, कोई प्रैंक श्रैंक करते हैं। बड़े दिनों के बाद मिले गए आज उससे, तो चले जरा शुक्र शुक्र लगाते हैं उसके साथ जाके। तो मैं बस कैंट पहुंच गया हूँ और मॉल ऑफ लाहौर भी आ गया, तो मैं बस अब गाड़ी पार्क करके ऊपर उसके अपार्टमेंट जा रहा हूँ। तो जट है वो बहुत क्रेजी है, तो आप लोगों को चले मिलवाते हैं उससे अब। यो गाइस, तो मैं ऊपर गया था और जट साहब कह रहे हैं कि यार दीवारों में बैठ बैठ के मेरा दिल नहीं है, तो लेट्स गो आउट और हेलो बोल दो ऑडियंस को। हे गाइस, हाउ आर यू, एवरीबॉडी इज गुड। तो गाइस मिले जट साहब से, क्या हाल चाल है, सब खैरियत से, तो ठीक होंगे, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो चले गाइस अब चलते हैं, जरा जट साहब को बाहर जरा दिखाते हैं सन ओपन व्यू। या एग्जैक्ट, लेट्स क्रूज अराउंड और देखते हैं फिर क्या करते हैं। यो गाइस, अब हम जट साहब से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इनको पाकिस्तान में आके और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। कितनी देर बाद आया तू? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद, तो क्या तुझे फर्क महसूस हुआ यहाँ पे आके, क्या तुझे चेंजिंग लगी यहाँ पे? सेम ही हर चीज वैसे ही, डस्ट, यू नो, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। बस डस्ट नहीं, ट्रैफिक थोड़ी बढ़ गई है। अच्छा, बंद नहीं है, पता नहीं आज और क्या हो रहा है। बस दो तीन दिनों से, यू नो, अभी तो भाई देख रहा है क्या चल रहा है न्यूज, बट आई डोंट। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, जट साहब थोड़ा आंखें खोल के देखे, बड़ी दुनिया बदल गई है यहाँ पे, आप तो देख ही कुछ नहीं रहे। क्या हुआ फिर, आप मुझे थोड़ा दिखाए ना। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ? A few moments. यार मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह इन्होंने अंडरपास बना दी है। किधर? मैंने तो हर चीज अंडर कंस्ट्रक्शन ही देखी है अभी तक। नहीं ब्रो, फेस सिक्स वाला अंडरपास खोल दिया है। फेस सिक्स में गया नहीं ना अभी। तो आप गए नहीं ना, वही तो कह रहे हो कि आपको अभी जरा घूमने की जरूरत है, तो आपको पता चलेगा। फेस सिक्स चलते हैं, चल के अंडर पास ही देखे। मेरा पास टाइम नहीं है, मैं फेला नहीं हूँ इतना। चले आपको फिर कभी ले चल रही है वहाँ पे, अभी कुछ आपको खिलाते पिलाते हैं। चले ठीक है, काफी किफायत डाल। गाइस ट्रैफिक अपडेट, बहुत बुरा हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में। तो जट अमेरिका में भी ट्रैफिक इस तरह फंसती है कि नहीं? डिपेंड करता है आप किधर, डिपेंड करता है लाइक जो हॉट स्पॉट्स है, जो डाउन टाउन है वहाँ पे तो बहुत होती होगी, इसी तरह ही होती है, ऑर्गेनाइज होती है थोड़ी।
ऑर्गेनाइज होती है, गाड़ियाँ मूव करती रहती है, ज्यादा लोग हॉर्न वगैरह नहीं करते एक दूसरे। इधर तो जट साहब आपको पता है खुद ही सही है, ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। हाँ, इधर तो जिसने हॉर्न हल्का लगा होता है वो ट्रिपल हॉर्न लगवा लेते हैं अपना, जी मैं हॉर्न दूं तो अगली गाड़ी को पता चले कि हॉर्न आ रहा है। कई लोगों ने बसों वाले हॉर्न गाड़ियों को लगवा, आप उनमें से एक तो नहीं? नहीं मैं तो, हम तो ऐसा काम करते हैं। अब जट साहब को हम घुमा रहे हैं, डिफेंस दिखा रहे हैं, तो आई एम जस्ट गोना शो यू द अंडरपास, द फेस 6 अंडरपास। तो कैसा लग रहा है थोड़ा बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं। अच्छा लग रहा है, लगता है रोड्स पहले से ज्यादा इन्होंने खुली कर दी है। ये अंडरपास अब हम एंटर कर रहे हैं, काफी अच्छा और लंबा लग रहा है। लेकिन ये अभी काम शाम चल रहा है लेफ्ट पे, लेकिन अंडरपास बन गया हुआ है। तो जट साहब सात का बाद में अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफी चीजें वहाँ पे भी बदल गई होगी। एग्जैक्टली, तो आपको पता है ओवर द टाइम चेंजेस तो आती है, कोई ना कोई चेंजेस आएगी, जैसे लाहौर में भी आ रही है। Yeah bro, I totally get your point man. So when are you going to Sadiqabad now? I'm just going in like couple of days. All right, then I'll join you after you go. All right. तो guys फिर हम सादिकाबाद भी चलेंगे और वहाँ पे जट साहब हमें शिकार कराएंगे। सादिकाबाद भी इस तरह का क्या है सादिकाबाद में जट साहब? पसंद आएगा, बहुत कुछ है, आप डिपेंड करता है आपने करना क्या है। ओके ओके, तो चले ऑडियंस आपको इंशाल्लाह फिर साथ का बात, अब हम सब कुछ आपको बता नहीं सकते, आपको लाइव दिखाएंगे। ओके आई गेट इट मैन, ऑलराइट। तो जट साहब कह रहे हैं आप लोगों को लाइव दिखाएंगे, बताएंगे नहीं बताओ ना, लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे, तो वो भी वेट करें आप लोग इंशाल्लाह, जल्दी प्लान बनाते हैं आप। जट साहब मुझे बताएं कि आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? आंखें यार क्योंकि जेट लैग हुआ हुआ है, दो दिन तीन दिन से नहीं। अच्छा, नहीं तो रात को सोया नहीं है? रात को नहीं, just for like couple of hours, I just left for like 2 hours. Oh, okay. Yeah. तेरी आंखें ही नहीं खुल रही। इसलिए हमें इस व्लॉग को एंड करना चाहिए और हम कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग। Alright guys, Allah Hafiz, take care, you know, stay safe, or out there. मैंने आपको कहा था कि ये बहुत कॉमेडी करता है बस एक अब मैं ऐसे छोड़ी जा रहा है, समझ आ नहीं रही मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना, बोल ही जा रहा है फजूल। सब हम घर आए हैं और जैन साहब भी आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये जैन साहब हैं। पागल हो गया है, ये सियाल कोटियों वाली बातें कर रहा है। अभी इसको हम बताते हैं कि रेस होती क्या है। ये वो रेस करोगे और मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तू हमारा वीडियो में नहीं, ताकि मैं हम ऑडियंस को भी दिखा सके ना कितने अच्छे। ऑडियंस आपको हम बिल्कुल दिखाएंगे, लेकिन ये जैन साहब जो आप बातें करते हैं ना हवा में, इनकी हमने किसी दिन हवा निकाल देनी है सारी, देख के एक दूसरे में फिट ना कर देना। हाँ नहीं दे चुका हूँ। गाइस अब हमने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं और हमने सोचा है कि वील वॉक पार्क जा रहे हैं हम लोग, जॉगिंग करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज। जॉगिंग करने वाली है, शक्ल है जॉगिंग करने वाली। नबी जाके योगा करने लगा है। ओह माय गॉड, और जैन ओह माय गॉड की स्किल्स दिखाएंगे और वो जैन साहब पीछे आ रहे हैं। Yeah. और गाइस देखिए अभी सर्दियां आ गई और ये बंदा अभी भी निकरों में और कच्छों में घूम रहा है, ये yeah. इसकी क्या साइकी है जरा आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, आपने लाजमी बताना है। ये दूसरे प्लेनेट से है। कौन से प्लेनेट से है? ये पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर मैन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो गाइस अभी वॉक कर रहे हैं, तो गरीब हवा में घूम रहा हूँ। गरीब हवा क्या आवाम? गरीब क्यों? गरीब क्यों है? सब जगह शुरू हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था ना ये ऊपर से हिल चुका है बंदा पूरा। मैं हम वॉक कर रहे हैं, हम बैठे हुए थे गाड़ी में, हमने कहा चलो थोड़ी वॉक करते हैं। वॉक करके लाइटर ले जा रहे, लाइटर किसको चाहिए? अमीर बना, अमीर अमीर गाइस ये वो शाहिद अनवर बन गया है, वो शाहिद अनवर साहब बन गए हैं। ये सियालकोटी सस्ता शाहिद अनवर नहीं होता 500 रुपए वाला। तो गाइस अब हम गाड़ी में आ गए हैं, जैन साहब भी आ गए हैं। सियालकोटी हराम दी बोटी। आप लोग ये लोग सब कुछ कंटेंट के लिए कर रहे हो? ये गाइस जट है, मैं पागल हूँ
ये बंदा पागल है, बंदा पूछे, बंदा पूछे नहीं, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। चलो काले कपड़े क्यों पहने हुए? तुम्हें बिल आ रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री से बनवा के पहने काली टोपी। जब हम गाड़ी में आ गए हैं, स्पेस शटल में आ गए हैं, जा रहे हैं। हाँ मजा है, गाड़ी में आ गए। गाइस ये पागल हो चुके हैं। हेलो गाइस, तो हम गाड़ी में आ गए हैं, जैन साहब से मिले, हवा दिला दो। जट साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, अभी हम सोच रहे हैं क्या करें, द्वार पे टकरे मार ले। चलाओ ना यार। नहीं दीवार पे क्या टकरे मार ले, तुम पागल हो? बैन साहब ने आगे से जवाब देना पसंद नहीं समझा। अब हम गाड़ी में निकल चुके हैं, जैन साहब भी आ गए हैं, जट साहब पीछे बैठे हुए। भाई ने भी बताया राजू खाना उनकी तरफ से यार। हाँ कि जरूर यार, आप जब मर्जी आओ, आपको हम दिन में 5-5 खाने भी खिला सकते हैं। जब मर्जी आने का दिल नहीं करता, जब लाते हो तभी आने का दिल करता। रीना शीना जा रहे हैं शायद, कुछ खाते पीते हैं। सामने दुकान आ गई तो नाम ले लिया, उधर जा रहे हैं। तो यार आप कुछ यहाँ से देख लेते हैं खाने को, हॉट डॉग खिलाता हूँ आपको यहाँ से। घटिया घटिया क्या घटिया, सियाल गोटी खराब की बोटी। रीनाज आ गए हैं, ऑर्डर हमने कर दिया है, तो बस अभी 5 मिनट तक अंदर चलते हैं और फिर खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। क्यों जैन साहब? यस जैन साहब। जट साहब? सही है। तो गाइस वी आर फाइनली एट रीनाज और जैन साहब ने हमें बिल्कुल कोने वाले टेबल पे बैठा दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी क्यों बैठाया हमें यहाँ। आए इनकी रुपानी, इनसे पूछते हैं, यो व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन, उधर क्यों नहीं बैठे हैं, हम इधर कोने में ले आए हो। देखे गाइस, देखे पूरी दुनिया वहां पे है और हम इधर ये दीवार के कोने में बैठे हुए हैं। आज वे डिफरेंट। व्हाई सो? द बॉस लाइक सम प्राइवेसी मैन, कैन यू सी हिम, लुक एट हिज चेंज, इधर तो ये लोग एक ड्रामा सीन कर रहे हैं। Yo, what, what? They are gone crazy guys. What the pinky? ये देखें guys, यहाँ पे देसी फोटोग्राफी हो रही है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। पोज तो कर जट, कोई सही जट अपने शोल्डर नीचे और चेस्ट पाइन ठीक है, आंखें ऊपर, गर्दन और नीचे, गर्दन और नीचे, और नीचे कर बस, आईब्रोज ऊपर। गाइस स्टेज उतरने लगे और हम नीचे जा रहे, फॉलो करिएगा। गाइस हमने खाना खा लिया, बस निकल रहे हैं यहाँ से और निकलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके थोड़ी देर बैठेंगे और जैन साहब पीछे मीठा खाई जा रहे हैं, जाते हुए जैसे बच्चे नहीं देख के जिद करते हैं, पापा पापा मैंने ये लेना है, जिद कर रहे थे कि जी मुझे मीठा भी खिलाएं। तो फिर जैन साहब को हमने एक कप लेके दिया है। क्या मतलब है आपको पापा पापा में? ड्रामेबाजी देखो, कप होने लिया और पापा पापा बातें सुने इसकी। किसने दिए कप के पैसे? मैंने होती है। आपके पापा ने, आपके पापा ने, आपका तो वॉलेट ही पड़ा हुआ है गाड़ी में। हम घर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि जैन साहब अभी भी कप को ही जुड़े हुए हैं और जैन साहब तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे कप को। जैन ऐसा क्या अभी खाए बहुत आ रही है? जट साहब वो बैठे थे सामने ख्वाबों में अपने। जैन साहब कैसा लग रहा है? पर कप बहुत मजेदार है, एक और ना मंगवाऊं? चॉकलेट है, चॉकलेट एक और ना मंगवा दूं? हाँ मंगवा दे यार। खत्म हो गया यार, क्या निकालना है? खत्म हो गया, अभी भी निकाली जा रहा है। जैसा कि आपने देखा है, वो तो ये बड़े गए हैं लेकिन अंदर से, दिमाग से, दिल से सब बच्चे हैं ये। तो गाइस जैन साहब कह रहे हैं कि एक और कप मुझे मंगवा दो। ऐसे ही है? नहीं। क्या मतलब नहीं? क्यों अभी तुमने कहा है? अभी पूरा धोना पड़ता है, दो दो मिनट बाद व्लॉग के लिए कैमरा उठा लेते हैं। अभी गाइस जैसे अल्लाह की कसम मुझे कहा है कि यार मुझे एक और मंगवा दो, इस दफा मैं खुद पैसे दूंगा। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। रिकॉर्डेड है? ऐसा क्या आपने देखा है कि ये सियालकोटी है, हराम दी बोटी है,
ओके गाइस, क्या हाल चाल है? तो अब बस हम बैठे हुए हैं और प्लान बना रहे हैं कि आगे क्या करें। आप लोग बताएं कि लाहौर में क्या एक्टिविटीज हैं करने को। तो मैंने तो भाइयों को कहा है कि गो कार्टिंग करने चलते हैं आज और रेस लगाएंगे। जैन साहब आज कह रहे थे रेस लगाओ, तो गो कार्टिंग करते हैं, रेस भी लग जाएगी और एक्टिविटी भी हो जाएगी, फन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्या ख्याल है बॉयज? नॉट इंटरेस्टेड। जैन साहब तो आपको पता है एक ही काम है इनका, तो वो मैं भी आपको बता नहीं सकता। आप समझ गए होंगे, हर टाइम फोन पे लगे रहते हैं तो क्या ही निकालते होंगे फिर फोन से, ये आपको तो पता ही है। फिर ये हमारे बॉयज बिल्कुल डेड हो चुके हैं, ये क्या कर रहे हैं? आए इनको देखते हैं और इनसे पूछते हैं। अट साहब क्या कर रहे हो? मैं यार बस कुछ देख रहा था। हमें भी दिखाए। नहीं देखने वाला कुछ नहीं है ऐसा, बस यू नो। तो यार आप इतने डेड क्यों हुए हैं? बहुत गर्मी है, सुबह से थके हुए हैं। आए इस रिच को देखते हैं, रिच साहब क्या कर रहे हैं अपने फोन पे, दिखाए हमें, नॉटी ना बने आप। तो गाइस जैसा कि आपने देखा है, बॉयज मेरे बिल्कुल डेड हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इनके लिए लाना पड़ेगा हमें डड्डू चार्जर और इनको करना पड़ेगा हमें चार्ज। तो गाइस अब हम इन लोगों से पूछते हैं कि जिंदगी में क्या वो ऐसी चीज है जो ये अभी भी करना चाहते हैं और जो इनसे हुई नहीं है और ना ही हो रही है। जट साहब से पूछते हैं, बताएं। कोई ऐसी चीज है ही नहीं क्योंकि मैं क्या बताऊं आपको यार? कुछ तो बताए ना, ऑडियंस सुनना चाह रही है। फिलहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है ये चीज बताने के लिए। आपको थोड़ी देर तक मैं बता सकता हूँ, कोई एक घंटे तक, यू नो। चलो एक घंटे तक बता दें, जरा स्लो है आप, इसका मतलब है। स्लो तो नहीं, बहुत फास्ट। आप बताएं जैन साहब, कोई ऐसी चीज जो आप करना चाह रहे हो और ना हो रही हो। बाथरूम। क्यों कॉन्स्टिपेशन है आपको? तुम्हें बड़ा पता है, तो कह रहे हो बात। तो देखे आप लोगों ने देखा है ये लोग कितने नॉन सीरियस हैं, नॉन सीरियस। अच्छा मुझसे जी लें, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसी लाइफ में क्या चीज करना चाह रहे हैं जो आपसे नहीं हो पा रही? यार देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी में जो भी करना चाह रहा हूँ ना, खुदा का बड़ा करम है, वो हो जाती है। हो जाती है। नहीं लेकिन करना क्या चाह रहे हैं, कोई हमें अपना विजन बताएं। आप किधर देखते हैं अपने आप को अगले 10 सालों में? क्या मैं अगले 10 सालों में अपने आप को एक टॉप बिजनेस टाइकून देखता हूं और बेसिकली दुनिया में मैं समझता हूं हम आए हैं अच्छे काम करने, खुदा की मखलूक की मदद करने, तो प्यार बांटने। कैमरा मेरी तरफ करो, फोन नहीं, स्टूपिड इंसान ही किसने कैमरा। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग यू। चुप खड़े रहो, ठीक लग रहा हूँ। हाँ बड़ा बड़ा क्या तुम जानवर लग रहे हो, इंसान बनना है तो इसका टाइकून से लेना क्या देना। तुम रोज वापस करो उसकी तरफ। नहीं करूंगा, तुम्हारे ऊपर ही करूंगा। तुम अब हमारी ऑडियंस से थोड़ी टेंशन मांग रहे हैं, तो आपको हमारी ऑडियंस बिल्कुल देगी। आप जनाब ऑडियंस ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? गाइस पता नहीं जब भी ये मुझे मिलता है ना तो अजीब सी स्मेल आती है मुझे, पता नहीं जलता है। तुम्हें जलता है जलने की स्मेल आती है। मैं की टोपी से जलता हूँ। तुमने इसकी टोपी देखी हुई है? तुम्हें नजर नहीं आ रही उसे सर में पहनी हुई है? कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। तो बहरहाल गाइस चलो अभी टाइम काफी हो गया है, तो खाना शाना खिलाते हैं इनको और अभी चाय का हमने कहा पहले चाय पीते हैं और साथ में खाना इन लोगों को बाहर से खिलाएंगे। अच्छा और आप जैन की कोई जलने की बात कर रहे थे, जैन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कह रहा चाहूंगा कि मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया चाय के लिए, फटाफट मंगवा दें और इसको कैमरा मैन को फायर कर दें। फायर कर दूं कि फायर मार दूं? फायर मार दो इसको, ये देखो कितना गंदा लग रहा है। कितना अच्छा, कितना गंदा। और क्या कहना चाहेंगे आप? चलो शराब निकल। क्या निकल इसको मार। ओ मैं डर गया। अभी शक्ल पे करके बोल रहा, डर गया मैं डर गया। अभी शक्ल पे कैमरा करके बोल, मैं डर गया। क्या फिर से कर? नहीं इस तरह करता हूँ मैं। फिर से कर। चाय आ गई है, चाय शाय पी रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं, कुछ फन करते हैं। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। जैन को जैसे हमने पहले बताया कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, इसलिए उनकी आवाज सही नहीं निकल रही। ये लोग अब बाहर आ गए हैं फ्रेश एयर लेने थोड़ी, और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की इनकी फ्रेश एयर होती है। तो
आप लोगों ने देखा है ये बच्चे हैं गंदे बच्चे, ऑलवेज से नो टू ड्रग्स गाइस। गाइस बड़े मजे का सीन हो गया है, जैन साहब गाड़ी में आए हुए थे तो मैं आया हूँ तो सामने ही इनका बैग पड़ा हुआ था, तो बैग में से आप देखें कि हमने इनका जो है ना अराउंड कोई 70-80 हजार रुपया निकाल लिया। तो अब जैन साहब कह रहे हैं कि वापस दे दो। नहीं नहीं ऑडियंस बताएं देना बनता है कि नहीं। गाइस ये एक ही बंदा चुप रहा है यहाँ पे, देना पड़ता है, क्यों नहीं देना बनता, मैं तो नहीं दूंगा। ऑडियंस क्यों नहीं दोगे तुम? गाइस आप लोगों को मैं अपना नंबर दे देता हूँ, सब मेरे से रब्ता करें, इन पैसों की हम करेंगे हैवी पार्टी और जैन साहब को हम वीडियोस बना के भेजेंगे कि जैन साहब आपका पैसा उड़ गया हवा में। जी जैन साहब चाहिए पैसे, सबको चाहिए पैसे, ला दो, मेरे पास तो नहीं है मेहमान के पैसे। गाइस सब सब इसकी तरफ कोई ना आए, सब सब्सक्राइब करें, आज जो जो करेगा उसको जैन के पैसे इनाम। जैन साहब को चीप चीप की बात भी कर रहे थे क्या? पता नहीं चीप चीप की बात है, जब हम उसकी गाड़ी में थे आप पता नहीं कुछ कह रहे थे क्या? क्या कह रहे? 80,000 दे दो, ऐसा कुछ नहीं अभी कह रहे थे, गरीब गरीब अमीर अमीर याद है लोकल शाहिद अनवर। किधर गए गरीब पैसे मेरे? 80,000 हमारा हो गया है ले लो। तब हमने पैसे ले लिए और जैन साहब को हमने पैसे तब तक नहीं देने जब तक आप कमेंट्स में बताएंगे नहीं कि देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। गाइस जैन कह रहा है कि अगर तुम अपने ब्लॉग में अपनी ऑडियंस को बता दो कि तुम चोर हो और ये पैसे तुमने ले लिए हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा कि मुझे मेरे पैसे दे दो। तो गाइस यस आई एडमिट आई एम अ थीफ, मैंने जैन साहब के 80-90 हजार रुपए चुराए हैं। तो अब आप तो नहीं मांगेंगे ना आप? ऑडियंस को मैंने बता दिया है तुम चोर हो, लेकिन तुम तो अमीर हो ना, तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? मैं चोरों को छोड़ता नहीं, जेल में करा दूंगा तुम्हें। हेलो निकालते हम तुम्हें वहां से। सियालकोट रिच पागल हो गया है, इसके पैसे ले लिए, ये गाड़ियों के नट खोलने लग गए, कह रहा है मैं गाड़ियों के नट इकट्ठे कर लूंगा सारे। हाँ उसके अंदर ही मजा है, पैसे आते हैं। आप आ रहे हैं इनके ब्लॉक के तो? हाँ भाई कितने नट उतार लिए? भाई कितने नट उतार लिए? पता नहीं, ये मैं दिखाओ अपनी, जितने हैं उतने बस ठीक है, चलो भाग गए। ये मिले भट्ट साहब आ गए अब हमारे पास जी, हेलो बोले। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। जैन क्या कह रहा है आपको? जैन कह रहा है कि मोहसिन ने पैसे चोरी किए हैं और मोहसिन गाइस मैंने की पार्टी करेंगे। गाइस मैंने आप लोगों को एडमिट कर लिया है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं इसको दूंगा नहीं जब तक आप कमेंट्स में नहीं मुझे बताएंगे क्या बताना है, क्या बता रहे हैं भाई इसके पैसे दे दो। अब आप देख रहे हैं कि ये जैन साहब के पैसे मैं जैन साहब को वापस करने लगा हूं और ये गवाह है भट्ट साहब ऐसे ही है। जी जी कर दिए वापस, कर दिए लगे तो गाइस रोने लग गया था तो मैंने कहा चलो जब देंगे उसे लगा हुआ पैसे 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 पैसे। बट साहब ने एक नया मशवरा दिया है, वेट फॉर इट, हियर इट कम्स। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, दे दो मरती हो तुम्हारे तुमने लिए हैं तुम मरते हो। एक बात मुझे बतला दे तू, रब से क्यों नहीं डरती है? देखिए जैन साहब गाना है, आप सीरियस हो गए सब नाजरीन? देखिए जैन साहब क्रूजर में आए हैं और फिर भी कह रहे हैं पैसे साले वो घड़ी है मेरी, ठीक है। और गाइस पैसे है भी कोई 50-60 हजार रुपया, उससे ज्यादा है भी नहीं, पूरा पूरा 80 हजार रुपया लाल की कोठी में है और कहते हैं हमें की गाड़ी मेरी नहीं है भाई, तेरी है। चलती फिरती कनाल की कोठी में आया और कह रहा है कि 70,000 रुपया दे दो मुझे, शर्म नहीं आती? शर्म से डूब मरो, डूब मरो, नहीं आती पैसे दो। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये रिच जो है ना मेरा सियालकोटी तब गया, क्या हुआ तुम्हें? चोर ने पैसे वापस कर दिए, पैसे तुम्हें मिल गए। गाइस थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट था, इवन ये चोर ने मानना नहीं था, रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं अभी, ये देख रहे हो बटन दबा, रिकॉर्डिंग नहीं रोक रहा, ऑडियंस को पैसे दिखा रहा हूँ कि जितने लिए थे उससे ज्यादा ही दिए हैं, उससे ज्यादा नहीं है, 10,000 कम है चोर। आप लोग सब गवाह हैं, जट साहब मिल गए जैन साहब को पैसे, बट साहब मिल गए। तो गाइस इसके हमने पैसे इसको दे दिए हैं रिच को। ऑलराइट यू हैप्पी मैन? हाँ ये देखो अब ये नहीं मिलेगी, खैरियत से हैं सब? तो मिले बट साहब से, ख्वाजा साहब से और जट साहब से। तो अब बट साहब की गाड़ी में हम निकले हैं, खाना शाना हमने घर पे खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजेदार था जी। डिड यू लाइक इट? कुन्ना बहुत मजे का था। यू एंजॉयड इट ब्रो? वेरी नाइस। गुड, भाइयों से भी पूछ लें। गाइस डिड यू एंजॉय द फूड? या सो फकिंग मच। व्हाई आर यू ऑल डेड गाइस? व्हाई आर यू ऑल सो डेड मैन? मीठा बहुत था। तो गाइस मीठा बहुत खा लिया इन्होंने, चलो कोई गल नहीं। तो गाइस अभी देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं हम और आप लोगों को भी दिखाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। लामशिया मिलते हैं ब्रेक के बाद।
गाइस ये आप लोगों ने सुना है, इसके अंदर अब बकरी की रूह आ गई है। गाइस ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है। वो कहता था डेविल इज अ लाय, द डेविल इज अ लाय, दैट्स ट्रू, बट व्हाट इज दिस ब्रो? गाइस Guys, did you hear it? ये जट कह रहा है शुदाई। मैं नहीं कह रहा। जट कह रहा है। सबको पता है सियालकोट से कौन है और सबको पता है सियालकोट में क्या होता है। Did you hear it, guys? There's a wild dog here. Did you hear it? Oh yeah. क्या क्या जैन आवाजें निकाल रहे हो? ये देखिए। Oh yeah. Oh yeah. लोगों से एक ऑनेस्ट सवाल है मेरा, आप लोग मुझे बताएं कि ये बंदा आपको कहीं से पढ़ा लिखा लग रहा है? किसी एंगल से ये पढ़ा लिखा आपको लग रहा है? क्या आवाजें निकाल रहा है? लोगों की खानदान यहाँ पे घूम रहे होते हैं, क्या आवाजें निकाल रहे हैं? बोस्टन से डिग्री लो ना तो यही होता है। बात तो आपकी ठीक है जी, बोस्टन वही है जो बोल्टन के नाले के ऊपर है। बोस्टन से डिग्री लेने की, वो जो बोल्टन के ऊपर जो नाला है, बोस्टन यूनिवर्सिटी, वही वाली, मुझे सियालकोट डस्का रोड पे है। यार गाइस मैं आजाद हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आजाद हूँ, तुम लोग नहीं हो पढ़े लिखे। हाँ तुम आजाद कश्मीर की तरह कैदी हो, कैदी। ये गाइस खुल के नहीं जीते, खुल के जी। ये गाइस आज कुछ ज्यादा खुल के जी रहे हैं, खुल के जी हो। ओके गाइस इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, सब दुआओं में याद रखें, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तो व्लॉग मैंने एंड कर दिया था लेकिन पता नहीं क्यों फिर दिल कर रहा है एक वीडियो बनाने का। ये देखें, ये सियालकोटी रिच बैठा हुआ है पीछे, ये देखें सियालकोटी रिच। ओह व्हाट हैपेंड जट, पापे मदरफकर। ये जट को देखें गाइस, क्या हुआ जट? मुझे लग गए जट लग रही है उससे तेरे व्लॉग। तो गाइस ये आपने देखा है, मेरे बचपन के दोस्त है शरारती। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। कोई बात नहीं, ये इसकी बैटरी ऑन है, ये इसका स्कूटर है गाइस, ये इसका स्कूटर है जो मेरा आ रहा है ना, वो इसने अभी चला दिया है। दोबारा चलाई जट साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे बीच में? नहीं, आप लोगों ने मेरी तरफ से भी कह दिया। ओके गाइस अब मैं वाकई जा रहा हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, आपका दोस्त, आपका होस्ट इज बैक, आपका मोहसिन मिया मोहसिन, आपका मोहसिन मिया मोहसिन। गाइस सीन कुछ इस तरह के हैं कि आई वाज मिसिंग यू ऑल, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए। क्यों बट साहब? वेरी नाइस। क्यों ख्वाजा साहब? जी जी जट साहब, फोन है वेले, आप है, वक्त आपका है, पैर आपकी है। चले गाइस अल्लाह हाफिज। एक तो गाइस हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, हेटर्स का होना लाजमी है, क्योंकि हेटर्स के बगैर आपको पता है काम नहीं चलता। जैसे रेवेनेंट में लियोनार्डो डी कैप्रियो को रिच नहीं पड़ जाता, ये वही सीन है। ये आपके भाई को रिच पड़ा हुआ है एक जिंदगी में। अल्लाह छोड़ दो, व्लॉग देखना छोड़ दो, अल्लाह हाफिज़। गाइस इसको इसको आपने सीरियसली लेना, ये जलता बहुत है, समझ रहे हैं? वक्त आया, अभी भी स्मेल आ रही है जलने की। कट इट, कट इट, अभी भी स्मेल आ रही है। डू यू स्मेल इट ब्रो? यू स्मेल इट? हवा में धुआं ही धुआं है। नेचुरल प्रॉब्लम है गाइस, नेचुरल प्रॉब्लम है, सियालकोटी है, कुछ नहीं कर सकते। ओके अल्लाह हाफिज़।